अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन, मुझे उम्मीद है कि लास्ट एक्टिविटी जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट की, आप उसको कंप्लीट कर चुके होंगे, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे और स्टोरी को एक दफ़ा पढ़ के आपने ट्राई किया होगा आंसर्स को मैच करने की। आज की जो एक्टिविटी है हमारी वो है एक्चुअली समर पैक के पेज नंबर 6 पर। इट सेज दैट कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स एंड आल्सो राइट देयर मीनिंग। हमें इनके मीनिंग्स भी लिखने हैं। और अच्छा, ये एक्टिविटी हमें एक पज़ल के तौर पर दी गई है, जैसे कि फर्स्ट जो है फॉर्म वो नहीं थी लिखी गई, लेकिन सेकंड फॉर्म लिखी गई थी जो कि है ब्रोक। तो हमें पता होना चाहिए इसका रूट वर्ड या बेसिक फॉर्म जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो ब्रेक होती है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लाइन को कंप्लीट करना चाहें, ईट यू के लिखा हुआ है ऑलरेडी, अब कम लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए केम सेकेंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म स्टिल कम होती है। चूज लिखा हुआ है, अब यहाँ पर लिखा है ड्रैंक और फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी, तो इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म इसकी ड्रिंक होगी। ड्राइव लिखा हुआ है, अब कैश नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हम देखते हैं कॉट, तो सेकंड फॉर्म कॉट और फर्स्ट फॉर्म कैश होगी। अब इनके मायने जो लिखने हैं, ब्रेक तोड़ना, ईट खाना, कम आना, चूज पसंद करना, ड्रिंक पीना और ड्राइव चलाना, कैश पकड़ना और बिल्ड बनाना या तमीर करना। तो अगर हमें इनकी फॉर्म्स लिखनी हो तो ब्रोक ऑलरेडी लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म इसकी होगी ब्रोकन, BROKEN ब्रोकन। नाउ ईट की सेकेंड फॉर्म होगी एट एंड ईटन, EATEN ईटन। एंड फॉर द कम इट विल बी केम एंड कम, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है। चूज की सेकेंड फॉर्म होगी चोज और थर्ड फॉर्म होगी चोजन। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक। ड्राइव ड्रॉव DROVE ड्रॉव सेकेंड फॉर्म और ड्रिवन थर्ड फॉर्म। कैश सेकेंड फॉर्म विल बी कॉट, CAUGST कॉट। बिल्ड सेकेंड फॉर्म बिल्ड एंड सॉरी थर्ड फॉर्म बी बिल्ड, BULT। ये था आज का लेक्चर हमारा। अगर आपको इसके सिलसिले में किसी किस्म की मुश्किल या परेशानी हो या मेरी रफ़ राइडिंग समझ नहीं आ रही हो या मज़ीद कोई मसला, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ूंगा और उनका आंसर दूंगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।